ये देखिए एक पिड़ुकिया ये है, इसका प्राइस है 200 रुपए केजी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है छठ, यानी कल नहाए खा था और आज छठ है। और अभी नवरात्रि का भी सीजन चल रहा है, जो मार्च में रहता है, अप्रैल में वो नवरात्रि चल रहा है। तो आज हम लोग चल रहे हैं थावे मंदिर, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज भी आ रहा है कि थावे पे वीडियो बनाइए, क्या वहाँ का सीन है अभी। तो हुआ कि चलिए प्लान करते हैं थावे का। तो हम पटना से पहुंच चुके हैं घर पे थावे जाने के लिए। तो आज हम लोग चल रहे हैं थावे और देखते हैं थावे का क्या सीन है, क्योंकि एक दो दिन में हमको दिल्ली भी निकलना है। तो हम रामनवमी के टाइम रह नहीं पाएंगे, मतलब अपने यहाँ तो कोई मंदिर घूम नहीं पाएंगे। तो वह प्लान कि चलिए चलते हैं थावे। तो अभी सुबह सुबह नहा धोवा के रेडी हो गए हम लोग और निकलने ही वाले हैं। तीन आदमी है, हम है, भैया है और एक राकेश है, तो वो भी चलेगा साथ में। तो अभी चलेंगे जीप से, क्योंकि आज हमारी हैरियर है नहीं। और देखिए गाड़ी हमारा जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो जीप रेडी है अपना, हमेशा रेडी रहता है क्योंकि धुला के ही लगता है जीप अपना। तो पिछली बार जब हम लोग गए थे तो हैरियर से गए थे, इस बार जीप से चलते हैं, मस्त थावे घूमते हैं और आप लोग को भी घुमाते हैं। सुबह सुबह धूप निकल गया है पूरा एकदम मस्त वाला और टाइट वाला, जो बोलते हैं ना कि पसीने छुड़ाने वाला धूप। और थावे गए भी 5 महीना हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग अक्टूबर में गए थे जब हम हैरियर लिए थे, तो उसका पूजा करने थावे गए थे। तो फिर आज चलते हैं थावे और घूमते हैं। वो पीछे देखिए कंबल में, नहीं नहीं वो अभी सो रही है, 7 बज रहा है, उठेगी अब उठ जाएगी। भैया टेम्पू से चलवा मशीन ले जाए ना। अभी गाड़ी निकल गया, जीप से चलने वाले हैं। दूसरी गाड़ी अपने पास कोई है नहीं जाने के लिए, एक ये है तो इससे तो जा नहीं पाएंगे हम लोग जाते जाते पहुंचेंगे। यहाँ मशीन लोड हो रहा है, टेम्पू पे जाएगा खेत में, और इस मशीन को हम लोग एक्चुअली केकड़ा बोलते हैं, क्योंकि ये केकड़े जैसा है बिल्कुल। ये है मंदिर का पार्किंग, आप यहीं पार्क कीजिए और यहीं से प्रसाद ले लीजिए अगर आपका मन करे तो। जल्दी जल्दी जूता उतार के रख देते हैं, जीप लाने का अलग फायदा है, जूते रख जाएंगे इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पैर ना धो लो, पैर हाथ गोर हाथ धो के शुद्ध हो जाइए पानी छिड़क के, और फिर यहाँ से प्रसादी लेंगे और प्रसादी लेके फिर चलेंगे मंदिर की तरफ। ये जो बाहर साइड दुकान है, ये लोग आपका गाड़ी पार्क इसलिए करवाते हैं कि थोड़ा इनका भी प्रसाद बिक जाए, तो यहीं से लीजिए प्रसाद। भीड़ अंदर हुई, तो हम लोग का प्रसाद भी ले लिए हम लोग, और एक ही जगह प्रसाद लिए हैं क्योंकि तीन आदमी हैं, तो हुआ कि एक ही जगह चढ़ाएंगे पूरा। सुबह सुबह आए हम लोग, तो भीड़ थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि भीड़ जो होता है वो 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी भीड़ है। तो अभी अंदर चलेंगे मंदिर में, तब पता चलेगा कितना भीड़ है। तो अभी सुबह होने की वजह से उतना भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ है। तो अभी अंदर चलेंगे और फिर अंदर पूजा वूजा होगा, पूजा ही करने के लिए हम लोग पटना से आए हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि के बाद नवमी के दिन हम रहेंगे नहीं। यहाँ से भी लगेंगे लाइन में हम लोग, और अंदर जाना अलाउ नहीं है, नवरात्रि चल रहा है, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अंदर के लिए बैन कर दिया गया। बाहर से ही आप अपना प्रसाद दीजिए और पंडा जी आपका पूजा करके देंगे। तो हम लोग भी चलेंगे वहाँ तक, अपन वहाँ से कट जाएंगे और भैया चला जाएगा वहाँ आगे। अंदर जाओ राकेश भी कट गया, भैया प्रसादी लिया है तो इसलिए वो जाएगा, क्योंकि पूरा प्रसादी उसी के पास है। ये मंदिर के अंदर का सीन है, और अभी 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा है,
और जैसे जैसे 10 बजेगा 10:30 होगा और ज़्यादा भीड़ बढ़ते जाएगा यहाँ पे। यहाँ होगा हम लोग का थोड़ा अच्छे से पूजा, क्योंकि पंडा जी को हम लोग बुलाए हैं और ये कराएंगे हम लोग का पूजा। और भैया आया है 5-6 साल पे, शायद 7 साल पे आया है। हम लोग तो आते रहते हैं यहाँ थावे मंदिर, हमारा तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन भैया आया ज़्यादा दिन पे, इसलिए पूजा अच्छे तरह से हो रहा है। इस मंदिर का लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि देखिए निकास द्वार से भी लोग अंदर जाने के लिए बेचैन है, कैसे भी दर्शन हो जाए माता का। तो अंदर जाने के लिए पूरा धक्का मुक्की चल रहा है वहाँ पे एकदम, क्योंकि मतलब पुलिस भी तैनात किया गया है ताकि मतलब कोई जबरदस्ती अंदर ना चला जाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मतलब धक्का दे के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पट बंद है, आप बाहर से ही पूजा पाठ कीजिए और बाहर ही जो करना है करिए। लेकिन कुछ लोग अंदर भी जा रहे हैं तो उसका सीन थोड़ा सा है कि वहाँ रोक के रखा जाए सबको। बाहर की दुकानें अच्छे से सजना शुरू हो गई है, देखिए पूरा चुनरी लगा के, क्योंकि अब नवमी आने वाला है ना जस्ट 2 दिन बाद। पूजा पाठ हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं तो पिरुकिया लेंगे जो सबसे फेमस है यहाँ का, और पिरुकिया लेके फिर यहाँ से निकलेंगे। देखिए एक पिरुकिया ये है, इसका प्राइस है 200 रुपए के जी। एक पिरुकिया यहाँ पे है जिसका प्राइस है 300 रुपए के जी। तो ये शायद इसका क्या खासियत है भैया? अच्छा, ये प्योर देसी घी है इसीलिए इसका प्राइस 300 रुपए है। ये जो 300 रुपए के जी पिड़ुकिया यहाँ मिलता है, इसका 300 रुपए प्राइस है क्योंकि ये प्योर देसी घी में बनता है। तो अभी दर्शन करके हम लोग वापस घर आ गए हैं, मिठाई लेके राकेश एकदम पिड़ुकिया खाओगे ना है? बहुत भीड़ था वहाँ पे, और एक्चुअली में नवरात्रि की वजह से ज़्यादा भीड़ था, तैयारी फुल चल रहा है वहाँ पे मेला के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और सभी को हैप्पी नवरात्रि, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।